कॉलेज में जब तुम्हें असाइनमेंट मिलता था तो सबसे पहली चीज़ क्या ज़रूरत पड़ती थी? यार सबसे पहले तो इंटरनेट चाहिए होता था, क्योंकि कोई भी असाइनमेंट इंटरनेट के बिना तो पूरा हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारे हॉस्टल में बड़ी प्रॉब्लम थी यार, वाईफाई कभी काम ही नहीं करता। लेकिन अब स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि जियो उनके लिए इंटरनेट सर्विस लेकर आ रहा है। DU, BHU जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को जियो फ्री इंटरनेट देगा, और ये प्रपोजल HRD मिनिस्ट्री के पास जा चुका है। कौशिकी, तुमको 2015 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल याद है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया? हाँ, टीम हार गई थी। लेकिन उस हार के बाद बहुत कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी यार। मुझे याद है, वो शेम ऑन सिडनी, अनुष्का, विराट, भाभी, क्या क्या लेकर लोगों ने जोक्स बनाए थे, और उन्हें पनौती और वगैरह वगैरह, बहुत बहुत ज़्यादा भसड़ मच गई थी। ये बात तो है, लेकिन अब की बार वैसे हमारी महिला क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप फाइनल हार गई है, कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज़ अच्छी है, लोगों का रिएक्शन अब की बार थोड़ा अच्छा है। बिल्कुल, स्पिरिट समझ में आई। सोशल मीडिया पर लोगों ने उनको काफ़ी सपोर्ट किया है, इसके अलावा उन पर इनामों की बारिश भी हुई है। एज अ कैप्टन आई एम वेरी प्राउड दैट आई हैव सीन द चेंजेस द गर्ल्स हैव मेड to their personal individual games, and as a team how we have regrouped from the last couple of years to where the team is today, the transition and how the team has come along. Tumne Kapil Sharma ka show aakhri baar kab dekha tha? Tum ye question kyun pooch rahe ho? Waise maine show काफ़ी टाइम पहले ही देखा था, रिसेंटली नहीं देखा। यार तुम भी नहीं देख रही हो, मैं तो देखता ही नहीं हूँ, तो अब उस शो की TRP तो गिरनी है। क्या बात कर रहे हो, कपिल शर्मा के शो की TRP गिर रही है? तुम्हें हैरानी होगी जानकर कि लेकिन वो शो अब टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हो चुका है। यार हो भी क्यों ना, मुझे लगता है लाफ्टर से ज़्यादा अब लोगों को कॉन्ट्रोवर्सी की डोज मिलने लगी है उनसे। ये तो है यार, उनके जो पुराने सभी साथी थे वो सब उनसे नाराज, लड़ाई झगड़ा कर छोड़ चुके हैं, और उनके जो सबसे बड़े जो कंपटीटर थे कृष्णा और सुदेश, उनका एक नया शो आने वाला है, तो अब कपिल शर्मा जी की तो, यानी कि TRP की वजह से सोनी उनका शो बंद करने जा रहा है। जी हाँ, खबर यही है कि सोनी ने अब शायद फैसला ले लिया है कि कपिल शर्मा जी का शो बंद हो जाए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने 7 कश्मीरी अलगाववादी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। इन नेताओं पर आरोप था कि वो पाकिस्तान के जरिए पैसा मंगवाते थे और पत्थरबाजों और आतंकवाद को समर्थन करने वाले युवाओं को फंडिंग करते थे। गाजियाबाद के CBI कोर्ट ने कुख्यात निठारी कांड पर अपना फैसला सुनाया है। मामले में आरोपी सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर पंडे को फांसी की सजा सुना दी गई है। मामला 20 साल की पिंकी सरकार नाम की लड़की के रेप और हत्या का है। कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस करार दिया है। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन शेयर मार्केट में जबरदस्त उछाल देखने को मिली। सेंसेक्स 216 अंक चढ़कर 32,245 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 51 अंक चढ़कर 9,966 पर बंद हुआ। निफ्टी पिछले 10 साल में अपनी सबसे ऊंची रैंकिंग पर पहुंच गया है।